मेरा इत्तफाक हुआ कल बर दुबई जाने का। बर दुबई जो मीना बाजार आपने देखा होगा, मीना बाजार सिग्नल बुर्जुमान, इसके बाद मैंने गाड़ी पार्क की हुई थी, कुछ दारू पानी लेने गया था सामने ग्रॉसरी पे, तो ग्रॉसरी वाले भाई मेरे साथ बाहर ही आ गए। पहले तो उन्होंने बोला कि वीडियो देखते हैं, बिग रिस्पेक्ट, आप वीडियो देखते हैं। जो बड़ी बात उन्होंने मेरे से शेयर किया ना, जो आपको मैंने बताना है और जिसके ऊपर मैं आगे 2-3 वीडियोस बनाऊंगा, वो समझने वाली है। मुझे कह रहे हैं भाई मैं पहले आपकी वीडियोस नहीं देखता था, इग्नोर कर देता था। मैंने कहा भाई आप इग्नोर करें या देखें, आई ऑलवेज रिस्पेक्ट यू, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई चीज़ बेचने की बात नहीं करूँगा, ना मैंने करनी है, इसलिए मैं कहता हूँ सिर्फ मेरी बात सुन लिया करें। जो इनका शफात उन्होंने किए हैं, इनका शफात, वो आपके साथ शेयर करने हैं और कुछ आगे 1-2 वीडियोस के अंदर और करने हैं कि बर दुबई के अंदर क्या हो रहा है। डेरा से बर दुबई आते हैं ना, वैसे तो सारी जगह हो रहा है लेकिन बर दुबई में खसूसी है, नजर करम है, क्योंकि मेरे इंडियन भाई ज़रा ज़्यादा इस साइड पे मूव करते हैं ना। अब उन्होंने मुझे यह बताया है, ये जो आप स्ट्रीट देख रहे हैं ना, मैं खड़ा हुआ था, वो बात कर रहे थे कि जो स्ट्रीट देख रहे हैं ये नहीं है, यहाँ अबू धाबी में भी मैं खड़ा हूँ, इसको छोड़ दें आप। उन्होंने बताया भाई मीना रोड, मीना बाजार की जो स्ट्रीट है वहाँ से लेके बुर्जुमान मेट्रो के पास और शहीदी मेट्रो स्टेशन के पास, कहता है यार गैंग ऑफ द पीपल, नॉट ओनली वन पीपल, गैंग ऑफ पीपल, इनका एक स्कैम नहीं है, ये बंदे को ऑब्जर्व करते हैं और इनको पता होता है कि बंदे, देखें वहाँ पे आपने देखा होगा कि होटल्स कितने ज़्यादा हैं, ठीक है। अब उन्होंने नज़र रखी होती है कि होटल से कौन निकल के आ रहा है, वो उस बंदे को ज़्यादा तंग नहीं करता जो रेजिडेंस है यहाँ पे, उनका शिकार होता है विजिटर, और कभी कभी रेजिडेंस भी हद चढ़ जाते हैं जो नए नए आए होते हैं, वो उनको ताड़ते हैं, देख लेते हैं, उसके बाद उनको फॉलोअप करते हैं। अब डिफरेंट किस्म के स्कैम है, 2-3 तो आपको बताऊंगा और इन डिटेल भी बताऊंगा, क्योंकि आगे एक भाई ने जो मेरे साथ शेयर किया स्टोरी, वो एक अनहोनी किस्म की थी। उन्होंने कहा या तो आपको लाके कोई मोबाइल भेज देंगे, या आपको बालों की दवाई भेज देंगे, या आपको मोटापे की दवाई भेज देंगे, या आपसे फकीरी मांग लेंगे, या आपसे खाना खा लेंगे, या कुछ भी कर लेंगे। कहता भाई एक नहीं है, जहाँ से एक देखता है दूसरा वहाँ पे खड़ा होता है, तीसरा वहाँ पे खड़ा होता है। कहता यार बहुत दफ़ा पुलिस भी उठा के ले गई है, लेकिन उससे मुझे जो बात की है वो इंपॉर्टेंट थी। कहता यार पुलिस तो ले गई ना, उस बंदे को सजा दे देगी, लेकिन एटलीस्ट आपके चैनल से सारी कम्युनिटी को ये बात पता लग जाती है और हर बंदे को पता लग जाता है हो रहा क्या है, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर कोई भी ये चीज़ देखता है तो विद इन 1 क्लिक उसको बात समझ आ जाएगी भाई उसके साथ ये हो रहा क्या जंतरबाजी। बी केयरफुल, अगर आप बर दुबई में, आपने किसी तीसरे चौथे बंदे से बात ही नहीं करनी, जो स्ट्रेंजर है ना, अगर आपके आगे कोई भी चीज़ का, एक और उन्होंने बताया कि भाई एक्सचेंज में पैसे ट्रांसफर करने के नाम के ऊपर फ्रॉड कर रहे हैं, आपको आके इंडियन करेंसी दिखाएंगे कि यार ये इंडियन करेंसी है, मैंने चेंज करना है, मेरे पास पैसे नहीं है अभी, इतने दें यहाँ से मैं एक्सचेंज करवा के लाता हूँ, मोबाइल दे देंगे, मोबाइल भेज देंगे। मैं कहता हूँ ख़त्म हो गई गेम, काइंडली मैं भी आगे 1-2 वीडियोज़ और डालूंगा, फॉलो कर लीजिए, करते हैं कर लीजिए, नहीं करते तब भी ना कीजिए, लेकिन वीडियो को देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगी। यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर नहीं चलेगा, लेकिन जो बात की जाएगी राइट की जाएगी। बर दुबई डेरा में रहने वाले लोगों ज़रा होशियार, स्ट्रेंजर लोगों से कोई भी आपको बात करने की जरूरत नहीं है, अपने काम से काम रखने का, क्या समझे। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, ठोकिए लाइक, काम करके आता हूँ, फिर अगली 2 वीडियोज़ आपको फिर समझाता हूँ, असल में मुद्दा गया है।